हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मोहित पारीक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बजरी तोतों के उन बच्चों के ऊपर है जो हांडी या बॉक्स से बाहर आते हैं तो उनके जो फ्लाइंग फेदर होते हैं वो जड़ जाते हैं। तो हम समझते हैं कि वापस आ जाएंगे, तो दोस्तों ऐसे बच्चों के फ्लाइंग फेदर कभी भी वापस नहीं आते हैं। आज का जो ये वीडियो है ये दोस्तों मैं विथ प्रूफ बनाऊंगा, क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले भी बना सकता था। नहीं, मैंने इस वीडियो को आज ही इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने कुछ टाइम वेट किया कि उन बच्चों के जो फ्लाइंग फेदर है वो आ जाए, लेकिन फ्लाइंग फेदर नहीं आए। मैंने काफ़ी कैल्शियम भी दिया उनको और मैंने कुछ टाइम उनको अलग भी रखा, धूप भी दिलाई मैंने। कुल मिला के मैंने सारे वो प्रयत्न किए कि उनके जो फ्लाइंग फेदर है वो आ जाए, लेकिन आज उन बच्चों में से एक बच्चा मेरे पास पड़ा है और मैं आपको उस बच्चे को दिखाता हूँ। और दोस्तों, अब मैं इसके कॉलोनी के अंदर जाता हूँ और उस बच्चे को पकड़ के बाहर लेके आता हूँ। फाइनली मैं इस बच्चे को पकड़ के बाहर लेके आ चुका हूँ। हम अब इसको बच्चा नहीं कहेंगे क्योंकि ये फुल एडल्ट हो चुका है और मेरे हिसाब से इसकी जो एज है वो 6 मंथ के करीब हो चुकी है, क्योंकि ये 2 ब्रीड से पहले निकला था। और मैंने दोस्तों काफ़ी इंतज़ार किया, काफ़ी वेट किया कि इस बच्चे के पर आ जाए। आप इस बच्चे के पर की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ये बच्चा दिखाई देता है। और इसके पर विंग्स खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये इसके परों की कंडीशन है और अब कोई चांस नहीं बनता इसके जो पर होते हैं उन्हें उनके आने का। वापस आएंगे इसके पर दोस्तों, अब वापस नहीं आएंगे क्योंकि आप कंडीशन देख सकते हैं इसकी। और दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि पर वापस आ जाते हैं, लेकिन ये जो फ्लाइंग फेदर होते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसकी जो बाहर की जो 2-3 कलियां होती है, जो लंबी वाली जो कलियां, वो टूटने के बाद दोस्तों वापस नहीं आती। और मैंने भी देखा कि वापस से आ जाएगी, बट इस बार भी ऐसे 1-2 बच्चे और निकले हैं जिनके ये कंडीशन है। दोस्तों, ये क्यों होता है, ये मैं ये नहीं बोलता कि ये सिर्फ मेरे यहीं हुआ है, ये बहुत भाइयों के साथ ये जो प्रॉब्लम है ये आती है। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि जो जोड़ा होता है, पैर होता है हमारे, क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती है उनमें जब भी पट्ठे निकलते हैं और हमारा मन होता है कि उन पट्ठों को हम रखें और उनसे ब्रीड करवाएं, थोड़े टाइम के बाद बहुत ही जल्दी वो ब्रीड करने लग जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि ये पट्ठे ब्रीड शुरू कर दिए, इन्होंने पैर लगा लिए, हांडिया बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन हमें ये ध्यान नहीं होता कि वो हमारा ही नुकसान है। दोस्तों, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो नर होते हैं वो कभी भी छोटी उम्र में ब्रीड नहीं करते, वो मादी से बड़े होते होकर ही ब्रीड करते हैं। इसका कारण ये है कि जो नर छोटे होते हैं वो हाँ वो मेटिंग के लिए करने लग जाते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं तब मैंने देखा है कि वो मेटिंग नहीं कर पाते। जो दूसरे बड़े नर होते हैं वो उन्हें मेटिंग नहीं करने देते और वो जब थोड़े बड़े होते हैं उसके बाद ही परफेक्ट मेटिंग करने लग जाते हैं। और जो मादियाँ होती है वो तो छोटी उम्र में ही एक ले करने लग जाती है, तो वो पहली और दूसरी तीसरी ब्रीड करते हैं तो वो ब्रीड अच्छी होती है, लेकिन 2-3 ब्रीड के बाद उसकी जो ब्रीड होती है उनकी बच्चों की ये कंडीशन होती है। हाँ, वो अंडे तो ज़्यादा देती है और बच्चे भी पालती है। मेरे यहाँ दोस्तों 8-8, 9-9 बच्चे एक एक मादी पाल लेती है बहुत बार, तो उनमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे निकले तो उससे क्या फ़ायदा। इस बार की ब्रीड में मेरे 4-5 बच्चे ऐसे निकले हैं, तो अब क्या किया जाए उन मादियों का, उन नर का जो ऐसे बच्चे निकालते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब इस बच्चे को हम अंदर छोड़ देते हैं, इसकी कंडीशन तो आपने देखी होगी। और आपको ऐसे 1-2 जोड़े बताता हूँ मैं मेरी कॉलोनी में जो ऐसे बच्चे निकालते हैं। दोस्तों, इस पैर ने छोटी उम्र में ही मेरे यहाँ ब्रीड शुरू कर दी थी और जब मुझे इतना पता नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब ये क्या करती है, ये बच्चे तो बहुत पाल लेती है, 7-8 बच्चे पाल लेती है। बाकी इस बार इसने 7 बच्चे पाले, जिसमें से 3 बच्चों की मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ।
दोस्तों इन बच्चों में से आप ये ब्लू वाला बच्चा देख सकते हैं, इसकी कंडीशन देखिए आप, इसके परों की कंडीशन देखिए। तो दोस्तों ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं होते हैं, और इधर आप इस बच्चे की कंडीशन देख सकते हैं जो आगे बैठा है, इसके जो पीछे आप पर देखिए दोस्तों, इसके पर है वो टूटे हुए हैं, और जो दुम है वो भी नहीं है। और इन तीन बच्चों की आप कंडीशन देख सकते हैं, इनकी ऐसी कंडीशन है। और अब जैसे ये ब्लैक वाला बच्चा है तो इसकी परों की कंडीशन सही है। तो दोस्तों ये जोड़ा है, अब हम इस जोड़े से ब्रीड लेना बंद करेंगे इतना जल्दी ही, इसे हम 4 मंथ की रेस्ट देंगे। दोस्तों बाकी के जो पैर है इन्हें हम 3 मंथ की ही रेस्ट देंगे, बट ये जो पैर है इसे हम 4 मंथ की रेस्ट देंगे, और 1-2 दिनों में इसके अभी 3 बच्चे हैं अंदर बॉक्स में, तो मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इस बॉक्स को नीचे उतार लिया है, और अब इसके आप बच्चे देख सकते हैं। 2 बच्चे तो मैंने आपको बाहर बताए थे खराब परों के, और अब 1 बच्चे को आप इसे देख सकते हैं, इसके पीछे के आप पर देखिए, इनके जो पर है परों की दोस्तों ये कंडीशन हो रही है। और अब दोस्तों ये बच्चा कोई काम का नहीं है, और इसे मैं उम्मीद नहीं रखूँगा वापिस पर आने की, और हेल्थी तो बहुत है लेकिन दोस्तों इसके परों की कंडीशन ये है। ये देखिए दोस्तों आप इस तरफ के पर देख सकते हैं, अब इसे छोड़ देते हैं अंदर। अब दोस्तों जैसे ही ये 3 बच्चे बाहर आएंगे तो मैं इनके जो बॉक्स है वो हटा दूंगा, ये सारे बॉक्स हटा दूंगा जो खाली मेरे को दिखाई दे रहे हैं, जो बॉक्स है उन बॉक्स में पैर वगैरह नहीं है, अंडे बच्चे नहीं हैं। तो दोस्तों वो मैं सारे बॉक्स हटा लूँगा जिन बॉक्स में अंडे बच्चे नहीं हैं, और अब मैं धीरे धीरे जैसे ही बच्चे बाहर आ रहे हैं तो धीरे धीरे सारे बॉक्स अंडिया हटाना शुरू कर दूंगा। और दोस्तों मैं अपनी कॉलोनी का बल्ब भी चेंज कर रहा हूँ, 7 वाट का बल्ब लगा रहा हूँ, सूर्या का बल्ब, LED बल्ब लगा रहा हूँ, और ये 200 वाट का बल्ब लगा हुआ था, और इस बल्ब को हम हटा देंगे क्योंकि दोस्तों अब गर्मी आना स्टार्ट हो चुकी है, इतनी ठंड नहीं है, और इसकी जगह ये बल्ब लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।